अरे एक चीज तो भूल गए तुम। क्या बोल गया? ये क्या पहन रखा है? अरे अरे भूल गया मैं, जल्दी जल्दी चेंज करके आ रहा हूँ। चप्पल देखो मेरी वाली पहन के बैठा है यार, मैं भूल गया रहा हूँ, क्या करूँ भाई, कैसे नहीं जल्दी जल्दी याद ना रहे। चलो जल्दी जाओ जल्दी जाओ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय गुड मॉर्निंग भाई व्लॉग टू माय चैनल। तो सुबह सुबह अपनी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, नहा धो के, और भाई कल है वैलेंटाइन डे, और मुस्कान कह रही थी ना भाई आपको एक बात याद हो, मुझे भी एक बात अभी याद आ गई, वो लोग स्टार्ट करते करते कि मुस्कान कह रही थी कि मुझे कहीं नहीं लेके जाते, नैनीताल की बात कर रहे थे पर मुझे नहीं लेके जा रहे। पर गाइस मैं ना नैनीताल से भी मुस्कान को बहुत बढ़िया जगह लेके जा रहा हूँ, कल हमारा टूर स्टार्ट हो जाएगा। और आज तो जा रहे हम मार्केट शॉपिंग करने, कपड़े वपड़े लेने, और मुस्कान कह रही कि मुझे कहीं ना घुमा कर ला रहा है। मैंने कहा कि चल भाई, तो अब गैस करो कहाँ जा रहे होंगे हम। जा रहे हैं वृंदावन प्रेम मंदिर अपने कृष्ण जी के पास, जहाँ भाई सबसे बड़ी लव स्टोरी हम वहाँ जा रहे हैं भाई, उनसे मिलने जा रहे हैं। उनकी तरह हमारे अंदर से फीलिंग आती है, हम किस तरह प्यार करते हैं, किस तरह रिश्ते निभाते हैं, तो उन्होंने सिखाया हमें ये सब। तो वहीं लेके जा रहा हूँ मैं मुस्कान को भी, क्योंकि मुस्कान कहते हैं ना कहीं ना ले जाओ कहीं ना ले जाओ। कई पहले बात कई बात में ले जाने, पहले कूड़ा फेंक के आओ। हैं क्या कह रहे हो? पहले कूड़ा फेंक के आओ। पहले कूड़ा फेंक के आऊं? क्यों? आपके आपको पता नहीं सबसे पहले हमें कूड़ा फेंकना होता है? कूड़ा तो फेंकना होता है वो तो ठीक है आपकी बात, पर मैं कूड़ा फेंकने वाला हूँ क्या? फेंकते नहीं हैं वो तो मैं फेंकता हूँ। मुंह बनाओगे? देख लो यार, मतलब घूमने के बाद में पहले कूड़ा फेंक के आऊं। अपना टूर तो स्टार्ट हो रहा है, सुबह से ड्यूटी स्टार्ट हो गया, ड्यूटी स्टार्ट हो रही भाई मेरे कूड़े फेंकने के स्टार्ट। ना दो का कूड़ा फेंक के आ रहा हूँ यार मैं, मतलब क्या किसी का याद ना आवे कि भाई पहले कूड़ा फेंक गया हो, ना दो का याद है तो हमें भाई कूड़े उठाने वाले हैं, है ना। अरे वो डेली नहीं आता, कूड़ा उठाने वाले डेली नहीं आता ना गाइस, हमें इसलिए बाहर फेंक के आना पड़ता है। और मेरे से मुस्कान को पता है कूड़ा कब याद आता है? जब जिस दिन मैं नहा लेता हूँ, जब मैं नहा लेता हूँ ना, जब मुस्कान को याद आता है कूड़ा कि कूड़ा फेंक क्या हूँ, मेरे को नहाया हुआ गंदा कर देती है उसका। ओहो पानी में तो दे रही हूँ है, पॉलिथीन में तो देती हूँ, पॉलिथीन में। हाँ। अरे जाओ ना दो के कौन कूड़ा फेंक, कौन कूड़े के हाथ लगाता है? मैं शॉल ले रहा हूँ। है शॉल तो हम देख रहे हैं, भालू वाली भालू नहीं पर अच्छी लग रही है भाई, वीडियो कैमरे में तो और भी अच्छी लग रही है शॉल। शेर वाली है, चीते वाली है, ये सारे इसमें शेर चीते हाथी जिराफ मुस्कान भी है इसमें, इनमें देख रहे हो गई, दिख रहा होगा कि शेर के बीच में मुस्कान डरी हुई बैठी होगी स्टॉल में, है ना गाइस, स्टॉल में बैठी होगी कहीं छुपी हुई। ये देखो, देखो ये आँख में, ये देख रहे हो, ये दो आँख रही मुस्कान की, ये नहीं ये वो तो पंजे हैं, ये शेर ये आपको खाने वाला है, तो बच के भागो इसमें से जंगल में से। तो गाइस चलो भाई अपने पहले मार्केट में शॉपिंग वोपिंग करे हुआ है ना, फिर बात करें आपसे आगे। चलो तो गाइस हम अपना निकल गए हैं और अपनी तैयारी हो गई, देखो ये तो ले लेकर चल रही है, पर मुस्कान आना आने की देर टाइम ना लेगी, मुस्कान रखाई मैंने, जल्दी जल्दी आ जाओ, देखो आ रही मुस्कान, कह रही है मेरे हाथ में पकड़ा दिया पूरा है, आपके हाथ में पकड़ा दिया तो वह चल रहे ना, मिलते आपसे नीचे। अरे एक चीज तो भूल गए तुम। क्या बोल गया? ये क्या पहन रखा है? अरे अरे भूल गया मैं, जल्दी जल्दी चेंज करके आ रहा हूँ। गाइस चप्पल देखो मेरी वाली पहन के बैठा है यार, मैं भूल गया रहा हूँ, क्या करूँ भाई, इतनी जल्दी जल्दी में याद ना रहे। चलो जल्दी जाओ जल्दी जाओ। भाई अपने माँ गया मार्केट में वापस अपने घर पे, और भाई मुस्कान तो ले आई अपना जोड़ा भर के, मार्केट को दिखाते नहीं है, फोन छीन लेते हैं। देख रहा हूँ भाई मार्केट में मैंने थोड़ी वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि दिल्ली है ना भाई, पता ना लगा कभी आत्मा से छीन ले जा, क्योंकि एक बार तो मेरे साथ सीन शॉट हो चुके है ना भाई, ना भाई वन प्लस का फ़ोन लिया था 40,000 रुपये का, एक महीने मेरे साथ 2-3 महीने ही हुए थे, दो बस में जा रहा था और बस में चढ़ा ना भाई, वो चोरी हो गया 3 महीने बाद ही, तो उस दिन के बाद देख लिया मार्केट में फ़ोन निकालना ही नहीं है, तो इसलिए मैं दिल्ली की मार्केट में खासकर फ़ोन निकालता ही नहीं हूँ। तो मुस्कान ये कुछ लाई अपनी दाढ़ी, और क्या है और ये क्या लेके आया हो? एक मुस्कान ये लेके आई है, देख रहे हो भाई, तो तैयारी हो चुकी है पूरी।
भाई कहीं जाओ या मत जाओ, मुस्कान की शॉपिंग जरूरी है। कहीं भी अगर जान बनाम ले दियो तो कहेगी पहले कपड़ा दिला के लाओ, मैं तो जब ही तो और जाऊंगी। क्या, देखो हैं कितना अच्छा सूट लाई ये मैंने, देखो भाई, एक गरम सूट लाई हूँ, अच्छा गरम, ताकि इसमें स्टॉल ये डालूँ बस। स्टॉल ना डाले, चलो सही है, बाकी अच्छा लग रहा है। ये देख के लाओ। और आप सोच रहा होगा भाई मैं क्यों नहीं लाया, तो भाई मैं सुनो सुनो, ऐसे नहीं, हंसने की क्या बात, बहुत सारे रखे नहीं आपके पास है? मेरे भाई बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने है ना, अभी अभी दो जोड़ी कपड़े अभी निकाले अलमारी में से नए कपड़े, और उन्हें मैं पहनूंगा कल जब जाऊंगा ना, जब आपको दिखाऊंगा मैंने क्या पहना है। मेरे पास मैं अपने कपड़े हमेशा लाता रहता हूँ, 2-4 महीने में 1-2 हज़ार जोड़ी तो मेरे रखे थे, तो मैंने अपने निकाल लिए देखो कपड़े। क्या बनेगा, हैं बहुत कम हो रही है ना, बहुत ठंड लग रही है, ठंड तो लग तो रही है। चलो भाई आप शॉपिंग बस पे आ गए ये हैं, ठीक है ना, आप ना पैक ज्यादा करके रख बेचारे दो, बन के मत दिखा करो वीडियो में, मैं बेचारे काम बन के दिखा रहा हूँ। हैं आप सब ले लेते हो और फिर दिखाते नहीं है। ये पता है क्या करते हैं, हाँ मेरे क्या होता है, मैं ले लूंगी ठीक है, मेरे पैक के पैक ऐसे ले रखे रहते हैं, इसलिए मेरे पे कपड़े ज्यादा दिखते हैं आपको, और आप क्या करते हो, हाँ लेते हो और फिर घर में यूज कर लेते हो। अच्छा, तो आपको कभी गाइस दिखा है कि मुस्कान को कहीं जा रहे हो और हम अलमारी में कोई ऐसे कपड़े रखे हो और निकाल के पहने हो? हैं आपने पहने कभी? चलो गाइस ये देखो, कोई बात नहीं, कपड़े वपड़े तो आने आने जाने वाली चीज़ है, कपड़े वपड़े तो नहीं लाते रहे हम तो। बाकी अपने पास तो रखे थे भाई 2 जोड़ी कपड़े नए, मैंने अपने निकाल कर रखे थे, एमएस तैयारी करनी है, उसका प्रेस व्रेस मार करके रेडी हो जाना। क्या टोकने में टोकने? अगर आपने मुझे ये दिला के और हाँ आपने बोल दिया ना ये, तो हाँ समझ लो ये मैंने लिया ही नहीं है, ओ ये किसी मतलब ये गिनती में इसमें तो नहीं कुछ आएगी, पैसे लगे ही नहीं है। नहीं हैं अभी किसी गिनती में नहीं गिनूंगी, और ना ही ये मैं, ये आप भूल जाओ कि आपने मुझे दिलाया है। अच्छा, तो भाई हमें बोलना पड़ेगा कि ये मैंने दिलाया है, देख रहे हो यार, मतलब दिला के बिना दिलाना कोई फायदा नहीं भाई, तो पर ये है हमें फर्क फिर वृंदावन भी नहीं माना तो अपना। कल जा रहे हैं हम वृंदावन, अच्छा और चल, वहां पे दिखाएंगे। वहाँ पे दिखाओगे क्या? दिखाओ, बाकी हम अपने करते हैं, बाकी हो तैयारी, बाकी अपने कपड़े वपड़े सब आ चुके हैं, और मैं भी अपने कपड़े ला चुका, मैं अपने कपड़े दिखाऊंगा आपको कल पहन के जब चलेंगे रेडी वेडी। बाकी आप थोड़ी सी और तैयारी वैसे अपने कर लेते तैयारी जाने की, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, और दिखाऊंगा यार आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा वहाँ पे, बड़ा आनंद आने कल के वाला ब्लॉग है, में, कल के और कल के ब्लॉग में दिखाऊंगा मैं आपको।